दोस्तों बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान की फिल्म भारत ने रिलीज के बाद अपने सिर्फ 4 ही दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करके एक रिकॉर्ड बना दिया था और उनकी लगातार 14वीं फिल्म ऐसी बन गई थी जिसने कि 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नितेश राठौर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों मेगा स्टार सलमान खान की फिल्म भारत जो कि अपने पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर काफी सारे रिकॉर्ड बना चुकी है और लगातार बनाती भी जा रही है। बता रहे दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नेट में कमाए थे 42 करोड़ 30 लाख रुपए, दूसरे दिन कमाए थे 31 करोड़ रुपए, वही दोस्तों इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन कमाए थे 22 करोड़ 20 लाख रुपए, चौथे दिन भी दोस्तों इस फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की थी और काफी अच्छी ग्रोथ के साथ इस फिल्म ने अपने चौथे दिन कमाए थे 26 करोड़ 70 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली सलमान खान की 14वीं फिल्म बन गई थी। दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म के जो 5वें दिन के कलेक्शंस आए हैं वो भी काफी लाजवाब रहे हैं और दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने 5वें दिन कमाए हैं 27 करोड़ 90 लाख रुपए और जितने भी क्रिटिक्स के प्रेडिक्शन थे उन सभी को रॉन्ग कर दिया है और ये फिल्म अपने 5 ही दिनों में 150 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली सुपरस्टार सलमान खान की लगातार 5वीं फिल्म बन चुकी है। बता रहे दोस्तों कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई कर रही है और सुपरस्टार सलमान खान और कैटरीना कैफ की इस जोड़ी को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। बात कर ले अगर इस फिल्म के ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म ने सिर्फ अपने पहले ही दिन ऑल ओवर वर्ल्ड से कमा लिए थे लगभग 65 करोड़ रुपए जो कि एक काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म ने इंडिया से ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कमा चुकी है 197 करोड़ रुपए। वही दोस्तों ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कमा चुकी है लगभग 68 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो चुका है लगभग 255 करोड़ रुपए का। वहीं अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के हम लोग 6ठे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में तो दोस्तों आज भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी होल्ड किए हुए है और वर्किंग डे होने के कारण इस फिल्म के आज के कलेक्शन रहने वाले हैं लगभग 11 से 12 करोड़ रुपए के। बताया दोस्तों कि अभी तक की अपडेट के हिसाब से ये फिल्म अपने 6ठे दिन कमा चुकी है 4.5 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का 6 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नेट इंडिया पर हो चुका होगा लगभग 162 करोड़ रुपए। वही दोस्तों ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म इंडिया से कमा चुकी होगी लगभग 210 करोड़ रुपए। वही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका होगा लगभग 280 करोड़ रुपए का। और इस तरह से दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल की सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन जाएगी और टोटल धमाल और केसरी जैसी फिल्मों को ये फिल्म आज पीछे कर देगी। तो दोस्तों इस तरह से 180 करोड़ रुपए के बजट से बनी सुपरस्टार सलमान खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी लाजवाब कमाई कर रही है और कई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। दोस्तों बता दें कि इस फिल्म को हिट होने के लिए इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 215 से 220 करोड़ रुपए की कमाई करनी होगी तब जाकर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाएगी। वहीं दोस्तों ब्लॉकबस्टर होने के लिए इस फिल्म को लगभग 280 करोड़ रुपए की कमाई करनी होगी। तो दोस्तों सुपरस्टार सलमान खान, कैटरीना कैफ और दिशा पटानी की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपए की कमाई तो आराम से करती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस फिल्म का जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कितना हो पाएगा, 250 करोड़, 300 करोड़ या फिर 400 करोड़? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।